आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित झा, मैं एक डेंटल सर्जन हूं और इंदिरापुरम गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूं। एंड आज मैं आपसे बात करूंगा कि डेंटल कैविटीज को जल्दी से जल्दी फिल क्यों करा लेना चाहिए और इसे अगर हम फिल नहीं कराते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स को बताते हैं कि उनके दांतों में कैविटीज हैं, कैविटीज स्टार्ट हो रही हैं एंड उन्हें जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, लेकिन काफी बार पेशेंट्स नहीं कराते। ऐसे में क्या होता है, जो बहुत छोटी सी कैविटी थी वो धीरे धीरे बड़ी होती रहती है, फिर वो दांतों में इन्फेक्शन क्रिएट करने लगती है, फिर वो हड्डी में इन्फेक्शन क्रिएट करने लगती है एंड तब भी अगर उसे इग्नोर किया जाए तो वो दांत निकालना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैविटी का प्रोग्रेशन कैसे होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे दांतों के तीन लेयर्स होते हैं मेनली। पहला होता है इनामिल, सेकेंड लेयर होता है डेंटिन और थर्ड लेयर होता है पल्प। कैविटीज जब भी स्टार्ट होती हैं वो हमेशा पहली लेयर से स्टार्ट होती हैं, इनामिल से। अगर हम वहां उसी टाइम उसका फिलिंग ना करें तो वो धीरे धीरे सेकेंड लेयर में चली जाती है, डेंटिन में, एंड उस टाइम भी अगर हम उसकी फिलिंग ना करें तो वो थर्ड लेयर में चली जाती है, पल्प में, जिसमें जाने के बाद हमें पेन बहुत जोर से स्टार्ट हो जाता है एंड बहुत जल्दी इसमें इन्फेक्शन हड्डी में चला जाता है। फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर में कैविटी को जाने में करीब करीब 1 से 2 साल लगते हैं। सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर में जाने में मुश्किल से 6 महीने लगते हैं कैविटी को। अगर हम इनामिल कैविटीज की बात करें तो इन्हें फिल करना सबसे आसान रहता है, सबसे कम डिस्कम्फर्ट लगता है इन्हें फिल करने में, ड्रिलिंग के टाइम बिल्कुल पता भी नहीं चलता एंड बहुत आसानी से इसे हम बहुत कम्फर्ट के साथ फिल कर सकते हैं। इसकी फिलिंग की कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 रुपीज तक आती है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यही कैविटी जब सेकेंड लेयर में चली जाती है तो थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होती है, खाना फंसने पे पेन हो सकता है एंड जब भी हम इसकी ड्रिलिंग करके फिलिंग कर रहे होते हैं तो सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। अगर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहती है तो हमें इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है पेशेंट के लिए। इसमें हम काफी बार डायरेक्ट फिलिंग नहीं कर सकते, इसमें हमें एक मेडिसिन डालनी पड़ती है जिसे हम डाइकैन बोलते हैं और उसके ऊपर से ही हम फिलिंग कर सकते हैं। उस वजह से इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, करीब 1500 से 2000 या 2500 तक इसका कॉस्ट जा सकता है। अगर आपकी कैविटी थर्ड लेयर तक पहुंच चुकी है तो फिर हम उसे फिल नहीं कर सकते, उस केस में हमें सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है एंड रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगाना पड़ता है। इसमें आपको इंजेक्शन तो लगता ही लगता है, कभी कभार आपको मल्टीपल सिटिंग्स के लिए भी आना पड़ सकता है एंड उसके बाद जब आपकी कैप लगती है तो आपका टोटल मिला के खर्चा भी काफी ज्यादा हो जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का कॉस्ट करीब 4000 से 5000 हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है एंड उसके बाद जो कैप लगती है वो आपकी 2000 से स्टार्ट होती है, 2000, 4000, 6000, 8000 कितना भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस क्वालिटी की कैप को ऑप्ट करते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि आप कैविटी को जल्दी से जल्दी फिल करवा लीजिए, उसका रीजन वही होता है कि हम चाहते हैं कि आपका फर्स्ट लेयर या मैक्सिमम सेकेंड लेयर में कैविटी अरेस्ट हो जाए, आपको रूट कैनाल के लिए ना जाना पड़े। लेकिन काफी बार लोग इसे अवॉइड कर लेते हैं एंड अल्टीमेटली वो वापस तभी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए जब रूट कैनाल की नौबत आ गई होगी। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपके दांतों में कैविटी डिटेक्ट हो, जैसे ही पता चले आपको कि कैविटी है, तभी के तभी उसे फिल करा लीजिए। काम काफी सस्ते में भी हो जाएगा और आपको तकलीफ भी बहुत कम होगी। अगर आप मुझसे कोई भी डेंटल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई डेंटल प्रॉब्लम नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं और मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।